सबसे पहले हम लोग जाएंगे हॉल पास में और फिर हम मिलेंगे डाइनिंग हॉल में, ठीक है? तुम्हें जैक और उन अंकल्स के साथ जाकर नाम लेना चाहिए। चलो जाओ। इन मामलों को आज के दस बन चुका है। ये जैक अंकल ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मिसेज नवारा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। अपना वजन देखते ही मैं भी इसी तरह चीख पड़ता हूँ।
बेचारे हैरी मुसीबत में फंस गए। चिंता मत कीजिए मॉम, टेड बहुत ही इंटेलिजेंट है, मुझे ये सीन में बस जल्दी वाले पता है वो इंटेलिजेंट है। पुलिस ऑफिसर है, कम से कम वो अपने ऑफिस से मदद तो मांग ही सकती थी। हमें चिंता उसकी नहीं अपनी करनी चाहिए, क्योंकि बच्ची हमारे पास है, वो अभी हमारे आसपास ही है। अगर हम इसी तरह सड़क पर घूमते रहे तो हम पकड़ेंगे। बच्ची तो आप ही जा रही है, आज रात हम लोगों को यही आराम करना चाहिए। मुझे बस इस बच्ची की चिंता है। तो मेरी कोई चिंता नहीं है। लगता है तुम्हें जलन हो रही है। प्रभु बंद रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं जानती हूँ आप एक बच्चे के साथ महसूस कर रहे हैं, पर अभी मुझे बात के अलावा कुछ नहीं लग सकती। मुझे बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे तो ये सब अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर हम किसी को बताएंगे तो मैं यकीन नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर किसने बना दिया आखिर? दुनिया में हर तरह के पुलिस ऑफिसर होते हैं, समझ गए? तुम मुझे दिलासा भी नहीं दे सकती, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। मैं कह रही हूँ चिंता मत कीजिए, वो तीनों भाई बहुत अच्छे हैं, आपकी फैमिली को कुछ नहीं होगा अंकल।